हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन योर यूट्यूब चैनल। भाई काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई फिजिकल हमारा थोड़ा कमज़ोर है, तो आज सर को लेकर आया हूँ आपको फिजिकल के लिए परफेक्ट गाइडेंस देने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी टिप्स ट्रिक्स है फॉलो करना। हाय गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आपको इंडियन आर्मी की टॉप फिजिकल के लिए तो क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लेते हैं रनिंग। रनिंग करने से पहले वार्म अप, कम से कम मिनिमम 2 मिनट की वार्म अप करते हैं हम। सबसे पहले कैट स्ट्रेच बोलते हैं इसको, बॉडी को ऊपर नीचे ऊपर फॉरवर्ड 5 पेसेस, 3 4 5, बैकवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, रनिंग करते समय कोई इंजॉय ना हो इसलिए इसको मोड़ना है अंदर की तरफ, एंकल ट्विस्ट होने का डर रहता है, उस डर से बचने के लिए। ओके, आपकी हिप और थाइस मसल की स्ट्रेच देना है इस तरह से। ओके, काफ मसल्स और ग्लूटियस राइट पीछे की तरफ खींचना है जितना हो सकता है, हिप को पीछे खींचना है। ओके, हील को जमीन पे लगा के रखना है तो आप और हिप को पीछे की ओर खींचना है। ओके, साइड साइड। ओके, पांव को खोल के रखना है अपने कद के हिसाब से, जो आपका हाइट है उसके हिसाब से। लेफ्ट टर्न। ओके, 1 2 3 4 5 राइट, 1 2 3 4 5। ओके, सेम हाथ आगे, 1 अप 2 अप। ओके, स्ट्रेस जो स्टेज है वो खत्म है, अभी करेंगे वार्म अप। ऊपर जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, back, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, high knee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, इतना करने के बाद आपका बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई हो चुका होगा, तो इसके बाद आपको रनिंग स्टार्ट करना है। मिनिमम 2 किलोमीटर से स्टार्ट करना है, डेली 2 किलोमीटर की रन करना है और स्पीड आपकी जितना बॉडी अलाउ करता है उतना रखना है। धीरे धीरे करके आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया रनिंग के, जो सिनाप बर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इंडियन आर्मी के टेस्ट के लिए, तो उसके लिए हाथ की बहुत मजबूती होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पुशअप, नॉर्मल पुशअप। यहाँ से बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी पैरेलल टू द ग्राउंड और डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसी तरह से आपको 10 लगाना है, 10 × 10 मतलब 100 पुशअप डेली लगाना है। और साथ साथ आप बैकवॉक और हाथ को पीछे रख के बैकवॉक कर सकते हैं, जैसे ये 1 ऐसे करके। सेम आगे की तरफ, ये आपको देगा हाथ की स्ट्रेंथ के लिए। फिर आपकी बॉडी बैलेंसिंग की ज़रूरत होता है, जैसे जिगजैग बैलेंस होता है वहाँ पे, और साथ साथ आपको बॉडी का एंड्योरेंस, जैसे चेस्ट वगैरह की, मतलब आपकी ऐसे ना हो कि बिल्कुल मरियल सा, जब चेस्ट नापते चेस्ट को भी आप फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। उसके लिए फिर जैसे डिप्स बताया मैंने उसमें काम आएगा। सेम पूरा एक्सरसाइज करने के बाद कूलिंग डाउन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आज रनिंग करके आप बिना कूलिंग डाउन करे छोड़ दिया तो अब नेक्स्ट दूसरा दिन रनिंग करने के लिए आपका एनर्जी बचेगा नहीं और आपका मस्कुलर पकड़ा हुआ होगा। तो सो कूलिंग डाउन भी बहुत ही ज़्यादा अहम रखते हैं। तो कूलिंग डाउन के लिए आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन, इस प्रकार से ये आपका एक तरह की एक्सरसाइज भी हो रहा है और साथ साथ कूलिंग डाउन भी हो जाएगा, जैसे आपके बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम करेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। यहाँ से फिर से हम धीरे धीरे पाँव को खोल के रखना है, जो आपने एक्सरसाइज किया है उसका काउंटर देना है। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। बैक फॉरवर्ड, ओके, जितना हो सकता खींचना है अपने, और ओके। थैंक यू सो मच। आप इस तरह से अगर डेली वर्कआउट करते हो मिनिमम 30 मिनट की पर डे, तो आप 100% आर्मी इंडियन आर्मी फिजिकल में एक्सेलेंट आने का उम्मीद रख सकते हो। ओके, बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।